हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में ना मैं वैकेंसीज पर ही बनाऊंगा कि वैकेंसीज किस हिसाब से आती हैं। जो भी ट्रेडमैन का हो गया, जीडी का हो गया, क्लर्क का हो गया, किसी का भी हो गया, किस हिसाब से वैकेंसीज आती हैं उस पे मैं थोड़ा गौर करूंगा। आप दोस्तों पूछते हो ना, मेरे को ही पूछते हो, मैसेज मुझे ही आते हैं कि भाई इसमें कितनी वैकेंसीज आती है, इसमें कितनी वैकेंसीज आती हैं। तो उसका जो डाउट है ना, वो दोस्तों मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ से पूछ सकते हो। दोस्तों, एक मैंने डिफेंस एग्जाम्स जो भी होते हैं ना, जितने भी होते हैं, उनके लिए एक वेबसाइट बनाई है। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये एकदम फ्री है। आपको कुछ भी पे नहीं करना, आप फ्री में बहुत कुछ चीज़ें ले सकते हो। अब दोस्तों, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो दोस्तों, जितने लोग रिटायर जाते हैं ना, उतनी ही वैकेंसी आती हैं। जैसे कि पूरी आर्मी को बता रहा हूं, ठीक है। अगर आर्मी में सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अगर 50 लोग रिटायर चले जाते हैं, जीडी में 50 लोग रिटायर चले जाते हैं, तो वैकेंसी 50 की आएगी, उससे एक एक्स्ट्रा नहीं आने वाली, ठीक है। और ट्रेडमैन, आपको पता है ट्रेडमैन वैसे ही कम वैकेंसी आती है। क्यों आती है? क्योंकि ट्रेडमैन बहुत कम होते हैं और जीडी वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जीडी वाले का काम ड्यूटी से रिलेटेड, लड़ाई से रिलेटेड इससे होता है, इसलिए उनकी वैकेंसी ज़्यादा आती हैं। ट्रेडमैन की ट्रेड से रिलेटेड काम रहता है, तो ट्रेडमैन भी अलग अलग तरह के रहते हैं। वॉशरमैन का ट्रेड, बार्बर, कुक, इन सब का ट्रेड रहता है। तो उनमें जितने लोग रिटायर जाएंगे, जैसे कि बार्बर में 8-9 लोग हैं, ठीक है, 8-9 लोगों में से अगर तुम्हारे 2-3 रिटायर चले गए, तो उतनी ही वैकेंसी जाएगी। मतलब टोटल जितने बार बार होंगे, समझो अब 60-70 रिटायर चले गए, तो 60-70 ही वैकेंसी आएगी। और एक सबसे बड़ी बात कि जितने लोग रिटायर जाएंगे, उतनी वैकेंसी आती है। और आप लोग पूछते हो ना कि यार कितना वैकेंसी आएगा, ये वैकेंसी किसी को नहीं पता होता, ठीक है। ये वैकेंसी ओनली वहाँ जो BR में जो ऑफिसर वगैरह होगा उनको पता रहता, और किसी को नहीं पता रहता, ठीक है। तो ये किसी से पूछ के आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप भले ही किसी से पूछ लो, लेकिन किसी को पता नहीं होता कितनी वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी जितने रिटायर जाते हैं, उतनी ही वैकेंसी आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वैकेंसीज पर मुझे यही चीज़ बतानी थी, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा दोस्तों, बहुत सी वीडियो हैं जो आपके अगर दिमाग में आती हों, तो मैं कुछ सिलेक्टेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप देख लेना। वहाँ पर आपको जो ठीक लगे उस पर क्लिक करके नॉलेज ले लेना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहना दोस्तों।